पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम बहुत फेमस थ्योरम है। इसमें जैसे कि लिखा गया है कि इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू अदर साइड्स। तो ये हम प्रूव करेंगे अब। तो कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, मुझे इस तरह से शेप चाहिए होगी। समझ में आई बात? तो इसके अंदर अब मैं लेबलिंग कर लेते हैं पहले। तो लेबलिंग में क्या है, ए इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। तो 90 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है? बी पे 90 डिग्री है। तो हमें प्रूव क्या करना है? तो सबसे पहले आप लिख लेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। और इसमें कुछ गिविन है। गिविन क्या है? केवल एक चीज, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, और दैट मीन्स एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द फिगर। नाउ प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो आप देख लीजिए ध्यान से। कंस्ट्रक्शन में आपको बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है साइड एसी, एसी के ऊपर। तो चलो ड्रा कर देते हैं हम एक परपेंडिकुलर। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है साइड एसी पे। ये कर लिया ड्रा हमने, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। तो इसका नाम लेबल कर देते हैं, एम बोल देते हैं, एम। तो हमने इसका नाम दे दिया एम। तो हमने ड्रा किया है बी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब प्रूफ देते हैं। तो प्रूफ के लिए अब आप दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। वो दो ट्राइंगल कौन से होंगे? एक तो आप पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल ए बी सी पूरा ट्राइंगल ले लीजिए। एंड एक ट्राइंगल और लेना है हमें। वो ट्राइंगल कौन सा लेना है मैं आपको शेड कर देता हूं। इस पे ध्यान दे, पूरे ट्राइंगल पे। तो ये ट्राइंगल हमने ले लिया और यहां पर ध्यान रहे कि ये आपका 90 डिग्री है। तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है? अब ए बी एम। अब इन दो ट्राइंगल पे फोकस करें। तो पूरा ट्राइंगल देखें और एक ये ट्राइंगल ए बी एम देखें। तो इसमें देखिए, गौर से देखिए, ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद है, ये कॉमन है। तो एंगल ए और एंगल ए ये दोनों में शामिल है, तो ये कॉमन एंगल है। तो कॉमन लिख दीजिए। अब इसके बाद एंगल ए बी सी ये क्या है बताइए? बिल्कुल जी, 90 डिग्री है। और एंगल ए एम बी ये भी 90 डिग्री है। जी हाँ, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू किस ट्राइंगल के होगा? देखिए कैसे लिखेंगे। ए का क्रॉसपॉन्डिंग ए ही है, बी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? क्योंकि बी पे 90 डिग्री है तो दूसरे ट्राइंगल में 90 एम पर बना हुआ है, तो यहां पर एम लिखा जाएगा। और बाकी जो ट्राइंगल में बचा है वो बी बचा, तो बी लिख दीजिए। तो ये सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, अब इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें कुछ मिलता है अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी, दैट इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो ए बी के प्रोपोर्शनल क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होगी बताएंगे आप? ए बी के कैसे पता करते हैं? ए बी के, बिल्कुल सही बताया, ए एम होगा। इसी तरह से बी सी के लिए क्या होना चाहिए? एम बी।
और एसी के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, आपने दो ऐसी रेशो पिक करनी है जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ये एक ट्रिक है इसकी। तो देखिए ए भी यहाँ भी है और ए भी यहाँ भी है, तो आपने ये पोर्शन और ये पोर्शन पिक करना है केवल। क्यों पिक करना है? क्योंकि ए बी दोनों में है, इसलिए ये वजह है। तो इन दोनों को ले लीजिए, तो मैंने केवल ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी ये लिया, और इससे मुझे एक रिलेशन मिला, वो क्या मिला? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम इंटू ए सी। इसका नाम दे दो पहली इक्वेशन। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें यह मिल गया। अब इसी तरह से अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है, क्योंकि हमारे पास इस फिगर के अंदर कुल तीन ट्राइंगल बने हैं, एक बड़ा और ये दो छोटे हैं। अब ये दूसरा छोटा ट्राइंगल हमें लेना है और बड़े ट्राइंगल के साथ उसका रिलेशन लेना है। इस बार हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं? ट्राइंगल ए बी सी तो लेना ही लेना है, बड़े वाला, और उसको ये लेना है जी छोटे वाला, तो बी एम सी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जब सिमिलर लिखेंगे तब ध्यान देना है। तो यहाँ भी आप एक चीज़ गौर से देखिए, जो सी एंगल है वो दोनों में मौजूद है ना। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी जो कि कॉमन है दोनों में। अच्छा, फिर एंगल ए बी सी ये भी 90 है, और वहां पर एंगल बी एम सी ये भी 90 डिग्री है। तो ए ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी सी, पहले तो यहाँ ए बी सी लिख दीजिए, अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिखना शुरू करेंगे। तो सी का क्रॉसपॉन्डिंग में क्या था? सी था, पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि सी का हमने सी का लिखा है, और बी का क्या है? एम है, और बाकी क्या रह गया उसका ट्राइंगल का, कौन सा लेबल रह गया? बी रह गया, तो बी यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो बचा 90 एम पे था, 90 बी पे था, सी हमारा कॉमन था दोनों में, तो ये पहले लिख दिए, फिर इस ट्राइंगल का बी लेबल रह गया था तो बी हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब बी पी टी हमें क्या कहती है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड बताइए क्या है? बिल्कुल सही बताया, बी एम इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, और बी सी का, इस बी सी का क्या होगा? एम सी होगा, तो एम सी लिख दीजिए। और ए सी के लिए क्या होगा बता सकते हैं? दो ऐसी रेशो पिक कीजिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। जी हाँ, ये वाला और ये बी सी इसमें सेम आ रहा है, तो ये दोनों पिक किए जाएंगे, दो कॉमन हो तो ये दोनों पिक किए जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को पिक कर लेता हूँ तो बी सी अपॉन एम सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी इंटू ए सी, तो इस सेकेंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, पहली इक्वेशन क्या थी, कुछ याद है? देख लेते हैं क्या है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू ए सी, हमारी पहली इक्वेशन कहती है इज इक्वल्स टू ए एम इंटू ए सी। नाउ यू नीड टू ऐड इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड जुड़ेगी तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड पे क्या जुड़ेगा? ए एम इंटू ए सी प्लस ये क्या है? एम सी इंटू ए सी, ये ऐड हो जाएगा। ए सी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? अच्छा, फिगर पे गौर से देखिए कि ए एम, ए एम प्लस एम सी किसके बराबर है? बिल्कुल जी, ये तो ए सी है, तो ये तो ए सी हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर आ गया। तो यानी कि हमारा क्या रिजल्ट निकल आया? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, और यही प्रूव करना था हमें। ये हाईलाइट कर दीजिए लास्ट में, और लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी।